हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज। रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। मॉडर्न एटिकेट इज़ एन आर्ट। आधुनिक शिष्टाचार एक कला होता है। इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड बाय परसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये लगातार अपने अंदर जोता जाता है, मतलब अपने अंदर इसकी गुण आते हैं जब हम लगातार इसका अभ्यास करते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट इज़ ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। पहली आवश्यकता है आकर्षक व्यक्तित्व। विच इंक्लूड्स ए गुड ड्रेस इन टाइम विद ट्यून्स इन ट्यून्स इन ट्यून विद टाइम्स, जिसमें शामिल होता है अच्छी वेशभूषा समय के अनुसार, मतलब हम समय पर सही ड्रेस पहने हों और हमारा सही देखने का क्रम हो। आफ्टर दिस बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर इन ए प्लेस, द पर्सन डिजायरिंग टू लर्न द आर्ट ऑफ एटिकेट मस्ट डेवलप द पावर ऑफ स्पीच टू बी ए गुड कम्युनिकेशन की जगह कम्युनिकेटर होगा इसमें। इन आवश्यकताओं के अलावा स्थान के अनुसार व्यक्ति को सीखना चाहिए वो उस कला को जो वो विकसित करता है, बोलने की शैली जिसको हम कहते हैं अच्छा संवाददाता होना चाहिए, जो सही सही अच्छे अच्छे तरीके से मतलब स्पष्ट बोले, समझ में आ जाए किसी को। ही मस्ट हैव स्मूथ एसेंट इन लैंग्वेज इन विच ही कन्वर्सेस। उसके बोलने का तरीका लचीला होना चाहिए जिस भी भाषा में वो बात करता है। मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स हैविंग ए क्लियर आइडिया डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स इन द सोसाइटी और इन ए कम्युनिटी इन विच वन लिव्स। आधुनिक शिष्टाचार में जो है वो अपने आप में शामिल करता है साफ सुथरे सुझाव, दिन प्रतिदिन के मुद्दे और क्या समाज में घटित हो रहा है और समुदायों में जिसमें वो रहता है, इनमें जो वर्तमान चर्चाएँ रहती हैं उनकी जानकारी उसको होना चाहिए। दीज आइडियाज इनेबल ए पर्सन टू बी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग एट वेरियस फंक्शंस, डिनर्स, इवनिंग पार्टीज और इन द क्लब्स। ये जो आइडिया हैं उसके अंदर यदि होते हैं तो उसे योग्य बनाते हैं, रोचक बनाने के लिए और मनोरंजक बनाने के लिए उसको बुलाया जाता है विभिन्न फंक्शनों पर, डिनर पर, इवनिंग पार्टियों में और क्लबों में। सब लोग सोचते हैं ऐसे व्यक्ति को हम बुलाएँ। टू बी सोशेबल इज ए ग्रेट एसेट इन सोसाइटी। समाज में रहकर सामाजिक होना एक संपत्ति के समान होता है। ए सोशेबल मैन बीइंग पॉपुलर कैन क्रैक गुड जॉक्स वेयर देयर इज एन ओकेशन फॉर हिम। एक सामाजिक व्यक्ति प्रसिद्ध होता है यदि वो चुटकुले छोड़ता है बाद बाद में वो अवसर पर। कैन रेज इंटरेस्टिंग इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड विन फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स। तो वह रोचक मुद्दों को, रोचक विषयों के बारे में बात करता है चर्चा के, तो जीत लेता है दोस्तों को और उसके जुड़े हुए लोगों का मन और उनका एक संपर्क को जीत लेता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर से तो ये आंसर्स हैं, उसी में से देखकर आप भी ढूंढ सकते हैं, डायरेक्ट भी इसमें से भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे से समझना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।